मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळेकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। हमारा एक हॉस्पिटल है अकोला में, महाराष्ट्र, अकोला महाराष्ट्र में, कि जहां हम मनोरुग्ण जो है उनका इलाज करते हैं, और वहां हम मनोरुग्ण रिश्तेदारों के समेत रखते हैं और उनका इलाज हम करते हैं। पिछले 35 साल से हॉस्पिटल हमारा कार्य में है। इसमें मैं बैठा हूं, मेरा लड़का जो साइकियाट्रिस्ट है वो बैठा है, मेरी बहू साइकियाट्रिस्ट है वो बैठी है, और हमारे पास में पूरी टीम है डॉक्टर्स की। तो हम पूरे टीम के साथ में हमारे जो पेशेंट है उनका हम इलाज करते रहते हैं। यहाँ हर प्रकार के मरीज आते रहते हैं जिनको मानसिक प्रॉब्लम है, जैसा जिसको टेंशन है, एंग्जाइटी न्यूरोसिस है, चिंता है, चिंता की बीमारी है, उसको घबराहट बेचैनी आती रहती है, और कुछ बिना वजह आते रहती है, तो वो लोग आते हैं। स्ट्रेस, जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन है जिसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, कोई काम नहीं कर पाते, इसलिए उनकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, तो वो लोग आते हैं। फिर सरदर्द, अलग अलग प्रकार के सरदर्द लेके लोग आते हैं, जिनको माइग्रेन भी है, अर्धशिशी है, आधा सिर दुखता है, तो वो लोग आते हैं। और फिर फोबिया, फोबिक न्यूरोसिस, फोबिया मतलब अति भय, ज़्यादा का भय, तो छोटी छोटी बातों में उनको जो भी मतलब डर लगता है, तो वो लोग आते हैं। जैसा ऊंचाई पे जाने का डर, बंद कमरे में बैठने का डर, रास्ता पार करने का डर, या हार्ट अटैक आ जाएगा, अटैक आ जाएगा, दिल का दौरा पड़ेगा और मर जाएंगे, उसका डर, या मतलब ऐसा कोई भी चीज़ का उनको ट्रैवल करने में, मतलब ट्रेन में या कार में जाने का, ऐसे काफ़ी सारे लोग जिनको ऐसा घबराहट रहती है और बहुत सारा डर रहता है, कुछ तो ही हो जाएगा, कुछ तो ही हो जाएगा, घबराहट हो रही है, क्या पता नहीं क्या होगा, तो और वो घर से बाहर भी निकलते नहीं, तो ऐसे भी लोग आते हैं। कुछ लोग हिस्टेरिया आ जाते हैं, हिस्टेरिकल फिट्स, कि इनको हिस्टेरिकल फिट है और उनको कोई ऐसे झटके वगैरह आते रहते हैं, और वो दिमाग के टेंशन की वजह से आते हैं, जिसमें हाथ ढीला हो जाना या आवाज़ नहीं निकलना या बेहोश गिर जाना, ऐसे हिस्टेरिकल फिट के आते हैं। फिर काफ़ी सारे लोग डिप्रेशन के आते हैं, डिप्रेशन मतलब उदासीनता, नर्वसनेस, निराशा, उसके लोग आते हैं कि जिनको खाने पीने में कोई रुचि नहीं है, भूख लगती नहीं है, मन उदास रहता है, रोना बार बार आता है, और कुछ काम करने की इच्छा नहीं है, कहीं मिलना नहीं, जुलना नहीं, अकेले रहना, नींद में गड़बड़, सवेरे जल्दी उठ जाना या रात को नींद नहीं लगना, और खुदकुशी करने के विचार बार बार आना, ऐसे लोग आते हैं। फिर कुछ लोग जाते हैं, वो बार बार एक ही जैसा विचार आना, ऐसे लोग आते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब बार बार हाथ धोना, या बार बार खाना विचार करना, या बार बार घर साफ करना, चेक करना जैसा लॉक किया कि नहीं वो चेक करना, घड़ी में टाइम चेक करना, मोबाइल बार बार चेक करना, व्हाट्सएप आया क्या, फेसबुक में कोई, ऐसा बार बार बिना कुछ वजह चेक करते जाना, या फिर जब हम नीचे उतरते जाना या ऊपर चढ़ते हैं, है ना, स्टेप्स, तो वो गिनते जाना, या टाइल्स के ऊपर पैर नहीं रखना, मतलब जहाँ जोड़े वहाँ पैर रखने का नहीं है, या ऐसे कोई बार बार गंदगी के विचार आते हैं जिसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं, वो भी लोग आते रहते हैं। फिर हमारे पास में काफ़ी लोग जाते हैं जिनको स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है। स्किज़ोफ्रेनिया मतलब छिन्न मानस, कि उनको विचार एकदम आड़े टेढ़े विचार आते रहते हैं, बहुत ही अलग अलग विचार आते रहते हैं, और उनकी बातें जो है वो बहकी बातें रहती है, वो अपने आप से बड़बड़ करेंगे, अकेले बैठे बैठे हाथ करेंगे, इधर से उधर इशारे करते जाएंगे, या अपने आप हंसेंगे, उनको नींद नहीं आएंगी, या उनके ऐसे विचार आते हैं कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई मेरे को पकड़ रहा है, या उनको शक काफ़ी आता है कि कोई लोग मेरे ऊपर मतलब पॉइजनिंग कर रहे हैं, या कोई मतलब जहर देंगे, या औरत के ऊपर या पति के ऊपर शक आता है कि इनके कोई बाहरी संबंध है, ऐसे बार बार शक की मतलब ये आते रहते हैं, उनको विचार आते रहते हैं। कुछ लोगों को कान में आवाज़ आती है कि लोग आ रहे हैं, मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो उनको बोलते हैं हम हेलुसिनेशंस, और जो विचारों का जो है उनको बोलते हैं डेल्यूजन्स, तो वो काफ़ी स्किज़ोफ्रेनिया लोग आते हैं। फिर अभी आजकल जो आ रहे हैं वो एडिक्शन पे लोग आ रहे हैं, एडिक्शन, स्पेशली सोशल मीडिया एडिक्शन, है ना, फेसबुक का एडिक्शन, व्हाट्सएप का एडिक्शन, नेट का, सर्फिंग का, गेम्स का, कंप्यूटर के ऊपर खेलने का। फिर अभी जो है वो प्रेम रोग अभी काफ़ी हो गया, कि भाई क्या होता है, फेसबुक के ऊपर प्यार हो जाता, व्हाट्सएप के ऊपर प्यार हो जाता, ग्रुप्स में रहते हैं तो, और फिर एक दूसरे के प्यार में आते हैं, और फिर मतलब जात ना पात पता नहीं क्या कौन है क्या है, प्रदेश के पर, प्रांत के पर, धर्म के लोग, और फिर घर में मालूम पड़ जाता है, फिर हंगामा हो जाता है, और फिर उनको लेके आते हैं भाई उनको हिप्नोटाइज करो, और हिप्नोटाइज करके इनका मन का निकालो क्या है, तो या इनके मन के विचार निकाल डालो,
तो ऐसे भी काफी लोग आते हैं। फिर अभी व्यसन के लोग आते हैं, शराब। शराब ऐसा हो गया कि सोशल स्टेटस हो गया है, शराब, भारी भारी शराब पीना है, सोशल स्टेटस है। और फिर एक बार सोशल स्टेटस करके हम चालू कर देते शराब पीना, और बाद में फिर उसकी आदत लग जाती है, आदि हो जाते हैं। और फिर जैसे जैसे पैसा खत्म हो जाता है वैसे वैसे फिर देशी दारू चालू हो जाती है, और फिर हाथ भट्टी भी चालू हो जाती है, और उसमें फिर लीवर खराब होना, पेट में पानी तैयार होना, दिमाग काम नहीं करना, और ऐसे शराब के आदि जो है घर का पूरा माहौल बिगड़ जाता है, पैसा बर्बाद हो जाता है, धंधा पानी कुछ नहीं शराब की वजह से। और फिर उनको हमारे पास में लेके आते हैं, इनको शराब छुड़वाओ। फिर कॉलेज के लड़के आते हैं, लड़के लड़कियां की, जो बहुत ज्यादा बाहर रहते हैं, घर के बाहर पता नहीं क्या करते हैं, कौन से संगत में है ना, डेटिंग करते रहते हैं, पैसा बहुत खर्चा करते रहते हैं, घर में आके उधम करते हैं, पैसा दो पैसा दो, पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई में ख्याल नहीं, ऐसे ले आते हैं। आजकल काफी सारे बच्चों को लोग लेके आते हैं, बच्चों को कैसा कि स्कूल फोबिया है, स्कूल में भूल जाना, मतलब सॉरी पढ़ाई में भूल जाना, या फिर स्कूल में जाने का भय, स्कूल में जाने का, उनको स्कूल फोबिया इतना रहता है कि स्कूल में जाते नहीं है, महीना दो दो महीने चार चार महीने स्कूल जाते नहीं, घर में पढ़ाई अच्छी करते हैं, उनको स्कूल जाने का भय है, या फिर नाखून काटने का भय, नींद में चलने का, नाखून काटना, नींद में चलना, या फिर स्कूल फोबिया, बोलने में हकलाना, बातें बराबर मतलब स्टटरिंग करना, तो ऐसे काफ़ी सारे बोलने में हकलाने के भी काफ़ी पेशेंट अभी आजकल आने लगे हैं, तो वो भी है। और फिर कुछ लोग उन्माद या हर्षवाई पे आते हैं, हर्षवाई, उन्माद, मैनिया, मतलब बहुत खुशी है उनको, इतनी ज़्यादा खुशी हो जाती है कि वो कुछ भी करना मतलब पसंद करते हैं, और उनको सभी संभव ऐसा उनको लगता है, उनको लगता है कि अपन करोड़पति है, हम कुछ भी कर सकते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, मैं खासदार बनने वाला हूँ, मैं आमदार बनने वाला हूँ, मैं ये प्रॉपर्टी लूंगा, बहुत जोक्स करेंगे, बहुत खुश रहेंगे वो। फिर ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं उनके मन के खिलाफ कुछ हो गया तो, और गुस्सा करना, फिर कभी कभी मारठोक भी करना चालू कर देते, वो मैनिया का इलाज है। फिर कभी आजकल बुढ़ापे में जो अभी अल्जाइमर डिजीज जो है, मतलब बुढ़ापे में भी ख्याल नहीं, याददाश्त खो जाना, वो काफ़ी लोग आने लगे हैं, क्योंकि 60-65 साल के बाद में उनको याददाश्त नहीं रहता, नहीं रहती है, उसमें खो जाते, फिर रास्ता भूल जाना, घर में वापस नहीं आना, या फिर टॉयलेट का मतलब कहाँ है, कौन सी दिशा में, वो भूल जाना, या फिर कपड़े उल्टे पहन देना, या फिर चश्मा कहाँ रखा है, कौन आके मिल गया, खाना खाया कि नहीं, ऐसा काफ़ी सारा भुलक्कड़पना आता है। और फिर बच्चों का भुलक्कड़पना है, वो बच्चों को लेके माँ बाप अलग आते हैं, क्योंकि उनको बच्चों को पढ़ाई नहीं ख्याल, पढ़ाई भूल जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, मतलब एक तो बच्चों का भुलक्कड़पना है, या उम्र ज्यादा होकर के भुलक्कड़पना है, मतलब ऐसे दोनों एक्सट्रीम्स आते रहते हैं। ऐसे काफी सारे फिर उनका इलाज हम करते हैं, तुम्हारे पास में ईईजी मशीन है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, तो उसमें दिमाग में, ब्रेन में यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो उसका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निकाल के फिर उसका इलाज करते होते ईईजी। फिर हमारे पास में साइकोमेट्री है, मतलब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, जिसमें हम दिमाग में कौन से विचार है, क्या विचार, उसके बारे में जानकारी देते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के माध्यम से, और उनका आईक्यू भी निकाल सकते हैं हम, लाइक इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो आईक्यू निकालते हैं तो बुद्धि कितनी है, बुद्धिंक कितना है बच्चों में स्पेशली। फिर बुढ़ापे में मेमोरी क्वेश्चन निकालते हैं, एमक्यू, कि भाई मेमोरी उनकी कितनी खराब हो चुकी है, तो उसका एमक्यू निकालते हैं। फिर हमारे पास में आरटीएमएस करके एक मशीन है, आरटीएमएस, ये मशीन में क्या होता है कि जैसा रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, आरटीएमएस, ब्रेन को भेजे को मैग्नेटिक स्टिमुलेशन देते हैं रिपीटेटिवली, उससे डिप्रेशन में काफ़ी अच्छा आराम पड़ता है, तो आरटीएमएस की मशीन है। फिर हमारे पास में कुछ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ऐसे कि सवाल जवाब के हैं, मतलब ऐसे काफ़ी सारे 500-600 सवाल आते हैं, और उसमें वो हम 500-600 सवाल उनको देते हैं, और वो सवालों के माध्यम से उनका एक्चुअली दिमाग में क्या चल रहा है वो निकालते हैं, तो एक वो भी है। और फिर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी मशीन है, तो ईसीटी मशीन में हम शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो शॉक से जैसा दिमाग में बहुत ही पागलपन है, तो उसको शॉक ट्रीटमेंट देके उसका इलाज करते हैं, वो अच्छा हो जाता है। फिर ये करते करते हमारे पास में फिर जैसा मैंने बोला साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, उसके साथ साथ हम सेक्सोलॉजी का भी इलाज करते हैं, जैसा नपुंसकत्व है, या फिर जल्दी शीघ्र पतन हो जाना, या फिर हस्तमैथुन की आदत लग जाना, तो ऐसी जो बीमारी है सेक्स की, या फिर होमोसेक्सुअलिटी करके कोई आता है कि मेरे को होमोसेक्सुअल होना नहीं है, मतलब हूँ और मुझे उसे बाहर निकलने का, ऐसा कोई बोलता है तो वो लोग आते हैं, तो उनके लिए फिर हमारे पास में डॉपलर की टेस्ट है। फिर उनके बाद उनके लिए हमारे पास सेक्स थेरेपी मशीन है, उनका काउंसिलिंग से इलाज करते हैं, और ये सब बीमारी जहाँ जहाँ हिप्नोथेरेपी की जरूरत लगती है, हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी, उसका इलाज हिप्नोथेरेपी से होता है, उसको सम्मोहित करके उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो निकालते हैं, या फिर साइकोथेरेपी करते हैं मानसोपचार, और मानसोपचार करके या काउंसिलिंग करके वो बीमारी से अच्छे होते हैं। फिर तो दवाई तो है ही, मेडिसिन,
तो मेडिसिन देके काफी जल्दी उसको आराम पड़ जाता है। कुछ कुछ बीमारियां तो भी ऐसी होगी कि जो बीमारियां लगती नहीं थी कि बीमारी है करके, जैसा बाहर का है, कुछ तो भी किया हुआ है, भूत पलीत का है, ऐसा लोग सोचते थे कि उनको हम दबा देते हैं तो एकदम अच्छे हो जाते हैं। जैसे कहा काफी सारी बीमारियां हैं कि जिसमें मानसिक रुग्ण अच्छा हो सकता है और वो अपने जीवन में वापस जाके अपना धंधा पानी करके अपने अपने परिवार को संभल सकता है, कमाई कर सकता है। तो आपके परिवार में, आपके आजू बाजू में, आपके पहचान के ऐसे काफी सारे लोग होंगे कि जिनको ये प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ये मानसिक बीमारी नहीं है, ये बाहर का है, तो उनको वो बताइए, ये जरूर वीडियो बताए, मतलब उनको शेयर करो, बताओ कि भाई बाहर का कुछ नहीं रहता है, ये अंधश्रद्धा है, इसका इलाज यदि करते हैं बराबर और वो दवाई से जो भी हमने अभी तक तो बताया मैंने सब अलग अलग तरह से उसका इलाज करते हैं तो वो पूरा 100% अच्छा हो सकता है और अपना जीवन अच्छा बिता सकता है। तो आप जरूर ये वीडियो लोगों को शेयर करो, फेसबुक के ऊपर डालो, व्हाट्सएप के ऊपर डालो, अलग अलग ग्रुप में शेयर करो, लोगों को भेजो, इसकी लिंक भेजो यूट्यूब की, ताकि उनको मालूम पड़े कि भाई हमारा मतलब ये जो लक्ष्य है कि भाई हमारा व्यसन मुक्त भारत और हर एक के लिए मानसिक स्वास्थ्य हमारा लक्ष्य है, उसमें आपका हाथ लग जाएंगे और लोग अच्छे हो जाएंगे, उनका जीवन वो अच्छी तरह से बिता पाएंगे और व्यसन मुक्त भारत और सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, ये जो हमारा मिशन है उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। जरूर शेयर करो और आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।